लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए कासगंज जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन आदरणीय कितने सजग हैं, इसकी एक बार फिर वानगी कलेक्ट्रेट सभागार में देखने को मिली। और कौन से काम है इसमें? अगर ऐसा कोई है तो उनको बता दिया गया है कि सजग रहें, क्योंकि सोने से चुनाव नहीं होना है। अगर कोई सोता मिलेगा तो चुनाव नहीं हो सकता। और नाउ दे आर मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट इज ऑलवेज विजिलेंट। तो अभी प्रशिक्षण शुरू हुआ है, हो सकता है किसी की आंख किसी ने आंख बंद कर ली हो और हम लोगों को लग रहा है वो सो रहा है। कई बार आप आदमी आंखें बंद करके भी मनन करता है, कोई सीखता है, अगर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से रखना चाहिए, सोने के दृष्टिकोण से नहीं रखना चाहिए कि वो सो रहा था। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट निर्वाचन कराने के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, जो भी पीठासीन अधिकारी के ऊपर उनका सुपरविजन होता है, लाइन ऑर्डर का इशू हो या मशीनों में खराबी का इशू हो या कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो या जो जिला मुख्यालय का कंट्रोल रूम है उससे कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, उसमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सेक्टर मजिस्ट्रेट एक संवैधानिक पद होता है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है। उनको हम लोगों ने आज प्रशिक्षण दिया है, उनको जो व्यावहारिक पक्ष है उससे अवगत कराया है, जो प्राविधान है उससे अवगत कराया है। अब कि पहली बार हर मशीन में वीवीपैट का यूज हो रहा है, वीवीपैट का इस्तेमाल कैसे होना है, मशीनों को कैसे रखा जाना है, कितने बजे से मॉक पोल कराया जाना है, कब से निर्वाचन कराया जाना है, मतदान अभिकर्ता आते हैं तब मॉक पोल कैसे होगा, नहीं आते तो कितना इंतजार करने के बाद मॉक पोल किया जाएगा, बीच में मशीन खराब हो जाती है तो कौन सी मशीन खराब होने पर क्या प्रक्रिया होगी। इसके अलावा उनको क्षेत्रों में भेजा गया था, उनका सेक्टर कितना बड़ा है, उनको आवागमन में कितना समय लगेगा, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी, कम्युनिकेशन प्लान जो बना हुआ है उससे लोगों से उनका कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, तो सभी पहलुओं से उनको अवगत कराया गया है। उनकी क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं उसको भी हम लोगों ने जाना है। और जो हमारा लोकसभा का निर्वाचन है एटा लोकसभा का, जिसमें कासगंज जनपद की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनसे सारे व्यवहारिक और जो तकनीकी पहलू हैं, आपके जो प्राविधानिक पहलू हैं, उनसे उनको अवगत कराया गया है।